जो 75 साल के हमारे साथी हो गए हैं उनका शॉल और माला पहनाकर जो सम्मान करते हैं। और हम लोग वर्ष में 4 बार होली, दिवाली और नया वर्ष और 15 अगस्त के बाद में मिलते हैं, और इसमें हमें महाविद्यालय के प्राचार्य का पूर्ण समर्थन मिलता रहता है। आज भी जो यहाँ पर प्राचार्य हैं, सेवानिवृत्त प्राचार्य उपाचार्यों की संस्था द्वारा मनाया गया होली स्नेह मिलन, 2 साल बाद सभी ने एक दूसरे के साथ अपने संस्मरण साझा कर जीवन जीने की कला पर की बातचीत। एजुकेशन डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए प्राचार्य उपाचार्य व वरिष्ठ व्याख्याताओं ने 25 वर्ष पूर्व अपना एक संगठन बनाया, जिसके द्वारा समय समय पर होली, दिवाली सहित अन्य अवसरों पर आपसी मेल मिलाप के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2 साल के कोरोना काल के बाद इस बार होली के पश्चात सभी एक जगह पर एकत्रित हुए और होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित कर एक दूसरे के हालचाल जाने और अपने अपने विचारों व संस्मरणों को साझा किया। आयोजन में मौजूद विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य उपाचार्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। सेवानिवृत्त व पूर्व प्राचार्य महेंद्र कुमार झा ने बताया कि अपनी जिंदगी में जो कमाई की है उससे बच्चों की परवरिश की, और जो पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है वह अगर आपके काम नहीं आया तो फिर किसके काम आएगा, क्योंकि बच्चों को लायक तो बना दिया, अब वह उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाएंगे तो पैसे को जमा करके क्या कर लेंगे, लिहाजा आज मैं जीने की ठान कर अपना जीवन बिताएं तो स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे। उन्होंने कहा कि काफ़ी समय बच्चों की परवरिश में गुजार दिया, लेकिन अब जो समय बचा है उस लाइफ स्टाइल को जिंदादिली के साथ जिया जाए तो बेहतर होगा। इस मौके पर 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त प्राचार्य व उपाचार्यों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही कुछ सदस्यों ने सुझाव भी दिए। मीटिंग हुई है, क्या है इस उद्देश्य? हमारे उच्चतर शिक्षा के सेवानिवृत्त प्राचार्य और प्राध्यापकों का ये संगठन है जो लगभग 28 वर्ष से कार्य कर रहा है, और इसमें हम वर्ष में 4 बार मिलते हैं, और उसके अंदर जो 75 साल के हमारे साथी हो गए हैं उनका शॉल और माला पहनाकर जो सम्मान करते हैं। और हम लोग वर्ष में 4 बार होली, दिवाली और नया वर्ष और 15 अगस्त के बाद में मिलते हैं, और इसमें हमें महाविद्यालय के प्राचार्य का पूर्ण समर्थन मिलता रहता है। आज भी जो यहाँ पर प्राचार्य हैं, राजकीय महाविद्यालय अजमेर के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, वो यहाँ पर मौजूद है और हम सबका साथ देते हैं। अभी कितने प्राचार्य आए हैं यहाँ? लगभग सभी प्राचार्य यहाँ करीब 20-25 हैं, 20-25 के बीच में प्राचार्य हैं और सेवानिवृत्त हैं। देखिए, हम लोग वर्ष में 2 या 3 बार, 4 बार कह सकते हैं आप, होली, दिवाली, नववर्ष और 15 अगस्त पर हम लोगों के कार्यक्रम होते हैं। हम सभी शिक्षा विभाग से, कॉलेज एजुकेशन से सेवानिवृत्त प्राचार्य या प्राध्यापक रहे हैं, और जो अजमेर में सेटल हैं उनकी हमने ये संस्था बना रखी है जो 25 वर्षों से ज़्यादा काम कर रही है, 25 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं हम लोगों को। और इसमें हम हर मीटिंग में ऐसे साथियों का सम्मान करते हैं जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, और हमारे जितने भी मेंबर हैं उनमें सभी इस तरह से सम्मानित हो चुके हैं जिनकी जो बुज़ुर्ग हैं। और ये एक विद्वानों की संस्था, ईमानदारी से कहूँ, और हम सभी तरह के मैटर्स आपस में डिस्कस करते हैं। कोई ऐसा मैटर जो समाज में चेतना लाने के लिए, कोविड समय में हमने कोविड के बाद जो मीटिंग की उसमें सारे प्रभावों को डिस्कस किया था, और आज भी हमने जो भी हमारे मित्र हैं उन सबको एक संदेश दिया है कि इस उम्र में हम खुद के लिए जीना सीखें तो वो बेहतर है, बच्चों के लिए तो हम सारी ज़िंदगी जिए और जीते रहेंगे, लेकिन खुद के लिए जीना सीखना इस उम्र में बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारे बाकी के बचे जीवन हैं वो शायद ईमानदारी से अच्छी तरह से निकले।